तत् प्रशस्य यत् शास्त्रेण तत् पदम् आदर्यते यहाँ पे यत् पद दिया हुआ है ना यत् प्राणी साधन शिक्षा तब उसको शास्त्र प्रशंसा का आदर व्यक्त है शास्त्रेण अभेद वेदनेन फलवादेन शास्त्र के द्वारा अभेद कथन की फल अभेद दर्शन की फल कथन के द्वारा शास्त्र में अभेद दर्शन की अभेद अनुभव की फल कथन के द्वारा एकत्र की प्रशंसा की यहाँ तक का हम लोगों ने पढ़ लिया तो शास्त्रेण अभेद वेदनेन फलवादेन इत्यादि नौ नंबर टिप्पणी भी देखती है जो अभेद वेदन अभेद विद्यते ज्ञायते अनेन अभिन्नता को जहाँ जाता है शास्त्र के माध्यम से इस प्रकार शास्त्र ने अभिन्नता के दर्शन एकत्र दर्शन की प्रशंसा केवल श्रुति ने वृद्धियों में भी व्यास आदि ऋषियों ने भी क्या किया इस एकत्र दर्शन की प्रशंसा अद्वैत दर्शन की निंदा करती है आज यहाँ से सुनो व्यास पराशरादि भीष्ट वेदार्थम व्याचक्षण ही एकत्र स्तुयते व्यास पराशर वशिष्ठ 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 ऋषि एकत्र दर्शन के व्यास पराशर आदि शब्द का वशिष्ठ आदि आदि भी वेदार्थ वेद के विषय को जो लोग व्याख्यान किया व्याख्यान करने वाले व्यक्तियों के द्वारा क्या करते हैं एकत्र स्तुयते एकत्र दर्शन की स्तुति की जाती है व्यास पराशर वशिष्ठ आदि ऋषि के द्वारा अभेद दर्शन की स्तुति की जाती है कैसे वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभम अत्युत्तम चली रहे हो है ना एक परमात्मा सब कुछ है इस प्रकार समझने वाला महात्मा संसार में दुर्लभ होते हैं वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभम संभव में दुर्लभ नहीं है बहुत कठिन है समझ दे एक दर्शन आप बताइए भारत की जनसंख्या कितना होगा 140 करोड़ कोई बात नहीं उसमें आप बताइए कि 1400 महात्मा भी ठीक थी अद्वैत सिद्धांत को बना रखता है मैं कहता हूँ एक सौ चालीस करोड़ जनसंख्या में अद्वैत सिद्धांत को पक्का करके समझ कर उसी में रहना टीके रहना मुश्किल से भारत में 1400 जोड़ा के हाँ संत तो बहुत उसको लेकर साथ साथ करा जाए संत तो एक मतलब लाख हुए हैं परंतु हमना तमा को बोला नहीं ना तो ये सिद्धांत को पति कर रहे हैं हम आश्रम के हिसाब से भी हमें यहाँ पहले देखते हैं एक कैलाश आश्रम साधन आश्रम ज्ञान आश्रम अचिंतन आश्रम ये मुख्य रूप से जो शंकरीय परंपरा को थोड़ा सा रक्षा करने की कोशिश करते हैं रामकृष्ण मिशन के कुछ है परंतु वो ठाकुर जी के आधार पर उसको चार मठ में तो आप दोषी मठ में जाएंगे तो आप स्वयं रोग पड़ेंगे वहाँ पे तो मतलब है कोई कोई है और जो है हमारे चार मठ के तो शंकर थे ये लोग जो है अपने तरफ से तो ठीक है परंतु वे जो सांतरीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पंडित लोग पंडित है पंडित को बढ़ाते हैं पंडित को पूजा आ जाए उसको जो है जो देखा सांतर सिंधरी मठ भी देखा गोवर्धन मठ तो आप जानते ही है वहाँ पर तो कोई सन्यासी तो है ही नहीं एक तो मतलब पूरी के पंडित जी लोग उसको थोड़ा सा चलाते हैं गोवर्धन मठ अच्छा हाँ इसमें द्वारका पीठ में जो वहाँ के एक सदानंद जी करते हैं मतलब हम स्वरूपानंद शक्ति का दो शिष्य भी कई करते हैं एक सदानंद जी अब एक विमुक्तानंद जी जो काशी में रहेंगे तो एक बार प्रोग्राम को पढ़ेंगे शंकर परंपरा को रक्षा करने के लिए यह बहुत कम सन्यासी का मुकाबला सन्यासी का मुकाबला इसलिए दूसरे दाई नहीं है हम सन्यासी लोग की जिम्मेदारी है इसके लेकिन हम अपना कर्तव्य को पूरा निभा नहीं पा रहे और हमारे हम मुझे सब है किसी को देख कर डाका किसी को क्या आएगा तब आप हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है कि हमको देख कर के इसमें कुछ है इसको भी प्राप्त करना है फिर हम मेरे जीवन अनुभव करेंगे व्यास पराशर आदि ऋषि वेदार्थ व्याचर्षण एक व्यास पराशर आदि ऋषि जो व्यक्ति अर्थ व्यक्त करता है उन लोगों के द्वारा एकत्र दर्शन को स्तुति किए जाते हैं क्या ये बाप भगवान जी का सत्व ग्रंथ है ये वासुदेव सर्व मंदिर समात्मा सुधुर सात का 19 में जाकर हम कैसे आगे और देखिए पराशर ऋषि बोलते हैं
अहम हरि सर्वविदं जनार्दनो नाथं तत्कारण कार्य जातम, है ना। मैं ही वो हरि सारा भगवान हरण करने वाला मेरा ही स्वरूप है। सर्वविदं जनार्दन सारा संसार भगवान का ही रूप है। न अन्नम तथा भी भगवान से छोड़ करके कार्य कारण जो कोई संसार नहीं है, बिल्कुल जो भगवान कारण है जगत कार्य से कार्य कारण जो संसार में कुछ भी नहीं है। अहम हरि सर्वविदं जनार्दन है, जो है हरि मेरा स्वरूप है। ये नहीं समझना कि मैं भगवान, ये नहीं बोल रहे हैं। स्वरूप का तो सच्चिदानंद दृष्टि से एक ही है, सारा संसार सच्चिदानंद विभूति है। सर्वविदं जनार्दन न अन्न कारण का विदा उससे भिन्न करके कार्य कारण रूप संसार में कुछ नहीं दिखाई देता। इत्यादि वाक्य इसी प्रकार की वाक्यों के द्वारा व्यासादि भी, है ना, इस व्यासादि ऋषियों के द्वारा इसकी स्तुति की जाती है। व्यासादि भी कहाँ है पास में, हाँ सेकंड लाइन में देखिए, प्रशस्त स्त्री के शास्त्र में व्यासादि निश्च। अब जब जो श्लोक यहाँ पे मंगलनाथ उपकारी का कर दिया हुआ उसका पहला भाव हो गया जीवात्मकम और ले देगा जीवात्मा की अभिन्नता एक रस के द्वारा ही प्रशंसा की जाए। दिव्य अर्थ की व्याख्या करते दिव्य अर्थ हम भी कर जाते हैं। दिव्य अर्थ क्या है श्लोक के, श्लोक के दिव्य अर्थ क्या है, साधारण स्वाभाविक समस्त प्राणियों स्वाभाविक रूप से अज्ञान के कारण शास्त्र को मूल शास्त्र के तात्पर्य को छोड़ के उतार के द्वारा रचना दिया गया दर्शन उतार के नानक दर्शन जो नानक दर्शन है उसको निंदा किया गया है शास्त्र के द्वारा स्मृति के द्वारा। कैसे निंदा किया, दिव्यमस्ति दिव्यांगति उदर अंतरम पूरे ये सब कल में बताया था वेदांत। अब देखिए टीका निंदा लिखते हैं वो देखिए नानंत दस नंबर टिप्पणी किसका, अहम हरि सर्वविदं जनार्दन नान अन्न तत् कारणं कार्य जातम् विद्रिं मनोजस्य नतस्य भूय भव उद्भवादङ्गगदा भवन्ति। श्लोक उत्तराधिकारी मतलब क्या हुआ इसका, इस प्रकार के निश्चय है जिसका इसका इसकी मतलब ये मैं ही हरि शब्द भगवान मेरा स्वरूप है, सारा संसार भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान से भिन्न करे कार्य करे कुछ ही नहीं है, इस प्रकार के निश्चय है जिसका इंद्रिय मनोदस्य नदस्य भूय उसका दोबारा भव उद्भव दंद गदा भव संसार से निकला जो दंद दंद रूपी गदा दंत के शुभ रूप मान अपना लाभ हानि मिल जाए रूप क्या ये दंद है ये गदा की समाधि तो इसके कारण हम पीटे जाते हैं लोग तो ये भी पीटे जाते हैं वो भगवत भगव दंड गदा न भगवत की न दस्य भूय न भगवत उसको भी इस गदा की पिटाई को सहन नहीं करना पड़ता। किसको जो इस प्रकार निश्चय करने में है ना ईश्वर में संसार में कुछ नहीं होता है शरीर में वही तत्व पैदा होता है इसलिए होता है इतने मनोदस्य इस प्रकार के निश्चय है जिसका न दस भूय दस्य दस्य दोबारा उनका भव उद्भवा दंद गदा संसार संसार में उत्पैदा होने के कारण जो दंत को सहन करना पड़ता है वो दंतों को एक गदा शब्द है दंत रूपी गदा गदा मतलब इसके पीटा जाता है न भगवत उसको फिर दूसरा गदा उसका उसका पीछा उसको सहन नहीं करना पड़ता इति उत्तरार्थ ये जो है ना विष्णु शास्त्र नाम में भी आया है हरि हरि शब्द की व्याख्या करते उसमें जो है दिया हुआ है विष्णु शास्त्र जो मतलब भेद दर्शन बनाया हुआ उस भेद दर्शन को निंदा किया जाता है।
इस लोगों ने किस प्रकार की पुरुष क्या कहता है भिन्न दर्शन वो भेद दर्शन देता है हमेशा भेद कोई देखता नहीं वो भिन्न ये भिन्न भेद हम क्या बोल रहे हैं दर्शन निंदी आह इस प्रकार की वाक्य के द्वारा व्यास आदि ऋषियों ने भी द्वैत दर्शन की भेद दर्शन की निंदा की निंदा की वहाँ पे देखिए ग्यारह नंबर टिप्पणी ये भी टिप्पणी दूसरी जगह भी आए हुए हमने देशा वर्ष में आए हुए अन्नथा संतम आत्मान अन्नथा प्रतिबद्धते किं तेन नाकृतं पापं चौरेण आत्मा पहारिणः इस प्रकार के श्लोक है अन्नथा संतम आत्मान आत्मा असंग पूर्ण व्यापक है इसको नहीं समझ के हुए तो आत्मा को काटता भोगता आत्मा मान ले जाए कौन सा पाप नहीं किया गया है चोरी आत्मा महारिना चोर के द्वारा जिसने आत्मा को अपहरण कर लिया जिसने आत्मा को क्यों आत्मा को क्या अपहरण किया आत्मा की शुद्धता असंगता पूर्णता चुरा कर ले आत्मा क्यों करता होता मान्यता भी थे उसमें इसके द्वारा इस प्रकार की व्यक्ति के द्वारा जितना पाप होना संभव है नहीं पाप करने पर भी वो पाप को दिखाते हुए दिखा जाता है एक प्रकार आत्मा है और आप उसको नहीं जानते हुए आपने दूसरे प्रकार से उसको जो है सोच लिया इससे क्या हम नहीं मान इस प्रकार मान लीजिए एक व्यक्ति अच्छा है और आपने उसको जो है नहीं ये चोर है अथवा ये जो गलत है भूल बोल है यदि ऐसा सोचेंगे उस व्यक्ति का नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा हमको पाप लगता है हमको पाप लगता है सीता माता जी ने रामचंद्र जी का दूसरा ब्याह करने के संभव नहीं करेंगे परंतु अश्वमेध करते समय ऐसा कुछ प्रसंग आ गया सीता जी के मन में केवल एक मन में विचार उड़ गया था क्या मरू राम जी फिर भी छोटा करेंगे गलती हो गया वाल्मीकि ऋषि के पास आते बोलते मेरे के लिए कुछ प्राश्चित विधान करिए क्यों क्या हो गया तो समय राम जी के ऐसा मन मन में आ गया इस प्रकार इससे मतलब आप देखिए किसी एक अच्छा व्यक्ति को यदि हम उसकी तरफ समझ लेंगे तो हमें लिए पाप लगता है पाप लगता है इसलिए होता है किंग तेन नाम पाप हम चोरे ना आत्मा पानी आप देखिए आगे एक पड़ाव है का श्लोक दिया एवं प्रायश्चित्ता भवे शुद्धि नृणाम गोवधकारिणाम आत्मापहारिणाम मोक्षाम प्रायश्चित्त न विद्यते देखो प्रायश्चित्ता भवेत् शुद्धिर् प्रायश्चित्त से शुद्ध हो सकता है कौन नृणाम गोवधकारिणाम गाय ब्राह्मण आदि को हत्या करने वाले व्यक्ति को प्रायश्चित्त के द्वारा कुछ शुद्धि तो हो सकता है आत्मापहारिणाम पुंसाम प्रायश्चित्त न विद्यते आत्मा पालन करने वाले व्यक्ति का तो प्रायश्चित्त नहीं है उसको जन्म का मतलब जन्म व्यक्ति को चक्र में आना ही पड़ेगा कोई उसका रास्ता नहीं ये जो है
इस प्रकार से वेद दर्शन की निंदा केवल मंत्र उपनिषदों में नहीं स्मृति में पुराणों में भी ऐसे ऋषि आदि लोग इसको निंदन करते हैं। इसलिए ये कभी भी वीडियो नहीं है वाक्य दैवित दर्शन निंदी है। आप देखिए अन्निश्च इसलिए यहाँ पे इसका प्रतीक देखा अन्निश्च नाम क्या है देखिए उदर मंत्र आत्मा मृत्यु इत्यादि वाक्य हो गया सुगेवा को हो गया। फिर उसके बाद देखिए अन्निश्च ब्रह्म विद्धि अन्न ब्रह्म वेत्ता पुरुषों के द्वारा भी क्या किया गया वेद दर्शन की निंदा की वेद दर्शन की निंदा की अन्निश्च एवं अनेक अधिकार भी एवं अनेकत्व दर्शन से निंदितत्वेन निषिद्धत्वा ठीक है ना। इस प्रकार से वेद दर्शन निंदित होने के कारण वो निषिद्ध है। एवं अनेकत्व दर्शन से अनेक दर्शन मतलब भेद देखने वाले व्यक्ति का वो दर्शन और भेद देखना का उसका निंदित और निंदित होने के कारण निषिद्धता उसको शास्त्र निषिद्ध करना चाहते हैं निषिद्ध न अनेकत्व शास्त्र का। इसीलिए वो जो आपने बोला कि हम शास्त्र का हमको ब्राह्मण है कुशल है कुशूद्र है मिलेगा ये शास्त्र का प्रतिवाद तो भाग नहीं हो सकते शास्त्र स्वयं उसका निंदा करते हैं। इसलिए बोलते हैं न अनेकत्म शास्त्रीय इसे भेद दर्शन शास्त्रीय शास्त्रीय है ये आप नहीं कह सकते हैं तो शास्त्र और भी क्योंकि भेद दर्शन तो शास्त्र पुराण के द्वारा भी जाना जाता है। इसलिए न अनेकत्म शास्त्र उठवा इस प्रकार का व्याख्या के आप चौथा पद की व्याख्या करते हैं। चौथा पद क्या श्लोक का चौथा पद है ना इसलिए बोलते हैं चतुर्थ पादर्थम चतुर्थ पद की अर्थ को आप कहते हैं क्या बोलते हैं कि ही की स्थिति ऐसी है इसलिए इस प्रकार मानने पर ही श्रुति वाक्य की सामंजस्यता अथवा एक रूपता ये वैश्यक है सामंजस्य मृद अवबोधन न्याय और इस प्रकार सामंजस्य पूर्ण सरल अवबोध आसानी से समझ जाना उसका निश्चय कर लेना ये आसान है। इस प्रकार से ही इस प्रकार मानोगे तभी सामंजस्य सामंजस्य मतलब सुख अवश्य आसानी से निश्चय किया जा सकता है और उसकी यही कहना जिनकी संगत होता है। ये यहाँ पे आया हुआ है विषय भेदेन प्रशंसनम निंदनम च क्या विषय को भेद दिखा करके एक का निंदा और एक का प्रशंसन वेदात्मक विषय जो दिखा गया तो उसका निंदा किया प्रशंसा विषय भेदेन प्रशंसनम निंदनम च इसका अर्थ हो गया और ऊपर आए ना एतत् ये जो सिद्धांत है इसी एतत् का फिर उसके आगे लिखा एवं ही ठीक है ना एवं भाष्य में है एवं ही कार्य लिखा दिया था एवं मतलब इस प्रकार मानने पर ही जो है एवं ही द्वैतस्य अशास्त्रीयत्वम् अद्वैतस्य एव तत्तात्पर्यगम्यत्वम् इति अंगीकारे सति इति अर्थ ठीक है। इस प्रकार मानने पर ही द्वैतस्य अशास्त्रीयत्वम् शास्त्र के शास्त्र में तो भेद विधान किया कर्मकांड में उपासना कांड में सृष्टि में भी भेद दिखाया परंतु वो शास्त्र प्रतिपाद्य भाग नहीं है। इसलिए बोलते हैं द्वैतस्य अशास्त्रीयत्वम् अंगीकार माना जाए तभी जाके शास्त्र को सामंजस्य पूर्ण होता है अंगीकार तदेव ही सामंजस्य एवं ही जो मूल में भी है अक्षर में भी है उसका अर्थ टीका कर रहे हैं। फिर भेद दृष्टि नाम अभी पूर्ववादी बोलते हैं नहीं नहीं भेद दृष्टि नाम अभी न्यायत्व अविशेषा आपके पास जैसा युक्ति है भेद दर्शन में भी ऐसा युक्ति है क्या युक्ति है शास्त्र बोलते हैं कि तू ब्राह्मण है तेरे ये करना तू क्षत्रिय तेरे ये करना तू भेद प्रसाद तो नहीं किया हमने क्या अन्याय किया
शास्त्रीय भेद दर्शन इस प्रकार भेद की मान्यता देकर के शास्त्रीय कर्म नहीं करोगे तब तुम्हारा अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, आत्मज्ञान प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। उसकी अयुक्ति कैसे बोल रहे, कोई वादी की युक्ति भी बिल्कुल पक्का है। वो बोलते हैं यदि इस प्रकार भेद दृष्टि नाम अपनी न्याय तो अविशेष क्योंकि भेद दृष्टि न्याय मतलब उनके लिए पूर्व मीमांसा दर्शन है, हमारे लिए कैसा उत्तर मीमांसा न्याय है, उनके लिए पूर्व मीमांसा को न्याय है। सिर्फ भेद दर्शन भी तो शास्त्र से ही प्राप्त होता है, इसलिए मतलब भेद दृष्टि नाम अपनी न्याय तो अविशेषा मतलब एक ही भेद से दोनों आया होने कारण भेद दर्शन निंदन से कुछ नहीं। सिर्फ भेद दर्शन की निंदा करना कैसे युक्ति संगत हो सकता है, भेद दर्शन की निंदा कैसे युक्ति संगत हो सकता है। यदि आशंक असंख शंका करते हैं इसको तर्क बोलते हैं जस्तार्किक परिकल्पिता को दृष्टय था अनिच्छ निरूप्यमाना घटना प्रांति अभिप्राय है ना, केवल तर्क को ऊपर आधार करके श्रुति बात को भी तात्पर्य को नहीं समझ पाए। इन लोगों ने अपने दर्शन को बनाया ना वो जो है वो दृष्टि है, वो यथार्थ दृष्टि नहीं है, पुष्प दृष्टि भेद दृष्टि है अनिच्छ, और वो जो है सरल नहीं है, कठिन होगा, आपको सामंजस्य नहीं बना पाएंगे। निरूप मनाया उसको जब तात्पर्य निकालने जाएंगे तो घटना न कंजित मतलब ऐसा होना संभव ही नहीं होता है, ये अभिप्राय है। यहाँ बोलते यास्तु, अब देखिए इसको फिर एक मनुस्मृति दे रहे हैं, अभी तक तो व्यास पराशर कुछ, अब मनुस्मृति बोलता है, मनुस्मृति तो हमारा मतलब श्रुति के अनुकूल है। या वेद वैह स्मृतयो यास्च काश्च कुदृष्टय सर्वास्कानिश्वरप्रेत्य तमो मूलाहिताः स्मृतः या वेद वैः स्मृतय यश्च काश्च कुदृष्टय सर्वास्कानिश्वरप्रेत्य तमो मूलाहिताः स्मृतः। अभी मुंडक संपत्ति का वहाँ यही है, हमने देखा वेदांत पढ़ना सबसे आसान है, इधर इधर से घूम घूम के उसी चीज़ को तो बोल फैलने आ जिसको बोल जाते हैं मुझे ठीक से अच्छा नहीं है बस वही घूम घूम के बोलेगा इसको एक ही तरह से करेगा। यहाँ वेद वाइह वहाँ पे क्या था अथो पराजय तदक्षर अधिगम गति से क्या था मैं बहुत आया हुआ है ना, क्योंकि वेद यदि अथो मतलब आपने किसको बड़ा अपराधी था वैदिक सिद्धांत को छोड़ करके जिन लोगों ने अपने स्मृति को बनाया हुआ है, स्मृति पाद में ब्रह्म सूत्र ने इसी को निर्णय करके दिखाया, स्मृति पाद में ये दिखाया गया है कि जो वेद से बहिर्भूत बोलता है वो प्रामाणिक नहीं, वो प्रामाणिक नहीं। या वेद वाइहा स्मृतय जो वेद वैदिक सिद्धांत को छोड़ करके जिन स्मृतियों को बनाया गया राष्ट्र राष्ट्र उपनिष्ठ है अथवा जो भी अपने सिद्धांत वेद दृष्टि का अवलंबन करके जो बनाया गया है सर्वतः निष्फला प्रेत परलोक में उसका कोई काम नहीं है और मुक्त नहीं कर पाएगा। प्रेत्य मतलब छोटी शरीर को छोड़कर कभी आपको दूसरा शरीर प्राप्त करेगा, आपको लाभ नहीं होगा, सारा फल कहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि तमो मूला हिता स्मृता वो भी अज्ञान का आश्रय करके बनाया हुआ, फिर दर्शन का आश्रय करके बनाया हुआ, इसलिए वो परलोकी काम के लिए नहीं होगा आपका, मतलब वो परम पुरुषार्थ के लिए साथ देने वाला नहीं है ये दर्शन, परम पुरुषार्थ के लिए साथ देने वाला नहीं है ये दर्शन। या वेद वाइहा स्मृतय राष्ट्र राष्ट्र उपनिष्ठ सर्वास्कानिष्फला प्रेत्य तम मूलाहिता स्मृता। यदि पाँच नंबर के प्रेम बोलते हैं वेद वाइहा वेद विरुद्ध प्रतिपादिका व्यर्थ है ना, वेद तो एकत्र प्रतिपादन करना चाहते हैं और वेद तो अनुवाद करते हैं, इसको नहीं समझ के हुए तो वेद के भेदवाद को प्रतिपादन करते हैं वो वेद वाइहा हो गए, इसको बोलते हैं वेद विरुद्ध प्रतिपादिका, वेद के विरुद्ध रूप में प्रतिपादन करते आपने दर्शन का वेद विरुद्ध अर्थशास्त्र शास्त्राणी इति अर्थ वेद विरुद्ध अर्थशास्त्र है, वेद के विरुद्ध विषय को लेकर के जो शास्त्र बनाया गया शास्त्र जो है कुदृष्ट है, ये यथार्थ दृष्टि वाली नहीं है। प्रेत्य शब्द का
निष्फल प्रत्य निष्फला सर्वतः प्रत्य निष्फला भवति, मतलब वो परम पुरुषार्थ के लिए काम देने वाला नहीं है। इसी को जब मरण अनंतरम सब फल शून्य बोधि का अध्ययन मृत्यु के बाद रहते हुए भी फल शून्य हो जाता है, मतलब जिस फल को आप चाह रहे थे मैं निर्देश आनंद को प्राप्त हो जाए वो फल देने वाला है। तब का भी कुछ यहाँ इसको कैसे शर्गारी है ऐसे ही इसको बोलते हैं फल शून्य बोधि का अध्ययन। तम मूला मतलब ब्रह्म मूला अविद्या मूला इतिहास इस प्रकार से हो जाए कि मनु वचना इतिहास मनुस्मृति के लिए ऐसा आया हुआ है। केवल इतना ही नहीं न्याय विरोधा का भी भेदवान असमंजस्यम युक्ति के द्वारा भी यदि हमें भेद को मतलब कर्म 19 प्रश्न तो उठाया था जन्म मरण सुख दुख कर्म और क्रिया का भी शांकर्य हो जाएगा। ये जो उन लोगों ने कहा था अरे भाई तुम्हारे सिद्धांत में ये होना संभव बना चाहिए, हम उपाधि के कारण भेद मान लें तो उपाधि व्यवहार हो जाए उपाधि कर्म करने का मतलब तो उपाधि का आत्मा में बुद्धि नहीं है कुछ भी नहीं है। इसलिए आगे बोलते हैं कि न्याय विरोधा कभी युक्ति के साथ विरोध होने के कारण भी भेदवादाना भेद मतलब भेद दर्शनों का असमंजस्यता मतलब उसमें सामंजस्यता मतलब युक्ति पूर्वकता नहीं है। क्योंकि आहोषित मन कर निरूप्यमानाना घटना प्राचीन विचार पूर्वक निर्णय करना चाहेंगे ना। देखो ये द्वैतवादियों ने युक्ति दर्शन बनाया जो नए दर्शन का युक्त पदार्थ माना कोई भी पदार्थ स्वतंत्र सिद्ध नहीं है अनन्यास का दोष के कारण से पहले बोल कर रहा है ना। इसलिए यहाँ बोलते हैं ना घटनाम प्राचीन बोलते संदर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते निरूप्यमाना ना घटना प्राचीन यदि उसको समझा नहीं वैशेषिक वैनाशिक आदि कल्पना वैशेषिक कौन हो गया नए वैशेषिक दर्शन और वैनाशिक हो गया बौद्धवादी है ना सर्व शरीरम शरीरम सर्वम चित्तम है वैनाशिक इसकी इसको वैशेषिक को बोलते हैं अर्ध वैनाशिक हर वैन बुद्ध को बोलते हैं पूर्ण वैनाशिक तो लाल का कल्प सब सुन में देते हैं वैनाशिक आदि कल्पना भेद अनुसारिण वो सब भेद का अनुसरण करके बनाए भेदस्य परस्पर आश्रयत्वादि दोष दूषित अद्वेद जो है ना आप जो माना ये है एक दूसरे के आश्रय के द्वारा स्वतंत्र रूप से कोई सिद्ध नहीं होता कोई पदार्थ स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं होता उनकी सिद्धांत कौन है और जो स्वतंत्र सिद्ध नहीं होता तो पारमार्थिक कैसे हो सकता है। इसलिए बोलता है कि भेदस्य परस्पर आश्रयत्वादि दोष भेद जो है परस्पर आश्रय के द्वारा दोष के द्वारा दूषित आनंद आश्रय दोष के द्वारा दूषित है न प्रमेय के इसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर इसको ठीक से समझना है तो खंडना खंडन खाते गुरु प्रस्थान में आता है श्री रहस्य का लिखा हुआ सारा एक एक पदार्थ को खंडन करते हैं उनसे पूछा तुम्हारा पदार्थ कैसे सिद्ध कर तो हमारे पदार्थ सिद्ध हो जाए नहीं ये तो अनुभव कर रहे परस्पर आश्रय परस्पर आश्रय श्लोके स्पष्ट प्रकरण 34 श्लोक न आत्म भाव न स्वेना भी कथंचन न पृथक न पृथक किंचित इति तत्व विदो विदु इसको ऊपर देखो जो 5 नंबर की पंक्ति लिखी धर्मत्व इत्यादि पेज 190 जो 5 नंबर की पंक्ति ना प्रतिलय की विशिष्टस्य पृथक्तस्य धर्मं प्रभाकार यदि पटादि धर्मत्व प्रसन्न इसको देखिए आगे देखिए और पृथक भूतयोस्तयो धर्म धर्म भाव अजोगा इति अनेक इति एक एक अनवस्था दोष तथा पृथक्तव की पृथक्तव की वर्तते अथवा तद रही दे न अंधो व्याघाता आद्य अभी कि देह पृथक के आश्रयत्व नर्वत्तम अथवा पृथक अंतर्यवा न आद्य आत्माश्रय न द्वितीय अनन्याश्रय आपत्य धर्म के निर्मित पूरा यहाँ पे व्याख्या करके बताया इस दिन पर भी 5 नंबर में लिखेंगे ना तो कहिए हमने दोष दिया या तो आत्माश्रय दोष अथवा अनन्याश्रय दोष ये सिद्ध ही नहीं होता जी बोलते हैं युद्ध च वैद्य प्रकरण असमंजस्यता इस कारण से
जो भेदवादियों के दर्शन है वो उत्प्रेक्षा मूलक, मतलब केवल अपनी मनोकल्पना है, अपने मन में जो आया उसी को उत्प्रेक्ष उठा के रख दिया, उसमें सामंजस्यता नहीं बैठता, सामंजस्यता नहीं बैठता। भेदवादाना भेदवादियों का दर्शन है उत्प्रेक्षा मूलाना, उसका अपनी मनोकल्पना से ही आया हुआ है, इसलिए मूलाना असमंजस्यता उसमें मतलब युक्ति संगतता नहीं, युक्ति सांगत नहीं है। इसी अर्थ इसी को मन में रखते हैं घटना घटना कांचन। देखो भाई तुम इतना बोलते हो अपने जो अपने आप को वेदवादी हो और वेद के जो कर्म कांड को पूरा निंदा करते रहते हो तो तुम तो आत्मघाती हो, ऐसा करके बेटा जी को शंका उठाने वाली न भेदवादा नाम उत्प्रेक्षा मात्र मूलम। भेदभाव केवल मात्र मनोकल्पित नहीं है, श्रुति मूलक है। सर्ग काम जब इष्ट में जगे तो ठीक है ना, फिर पशु काम उसकी जगे तो पुत्र काम पुत्र जाती जगे, इस प्रकार से अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग जाति विधान किया गया, अलग अलग व्यक्ति है तभी तो अलग अलग होगा अलग, इसलिए ये शास्त्रीय मूलक है, ये अशास्त्रीय नहीं है। बोलते हैं न भेदवादा नाम उत्प्रेक्षा मात्र मूलक, भेदभाव केवल मात्र कल्पना मात्र नहीं कह सकते, श्रुति मूलक तो और श्रुति मूलक है, श्रुति में भेद ठीक है। यदि आश्रम के परिहार की इस प्रकार शंका जो उठाते हैं उसको परिहार करते हैं, उसको निरा कर देते हैं। श्रुति ने कर्मकांड शुरू करते हैं, कर्मकांड में ये है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि के क्रिया के वर्ण आश्रम कर्म का स्तर करके कर्मकांड का भेद लिखा है, और फिर फिर उपासना को भी उपासक रूप में भेद लिखा है। परंतु जब वंशद भाग आए तब सृष्टि की कथन करके सभी का मूल कारण एक है दिखा करके, और कार्य कभी भी अपना कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता, ये न्याय के आधार पर सभी का मूल कारण एक होने के कारण भेद पारमार्थिक नहीं है, ये वेदांत सिद्धांत को अंत भी है। अब जो पहले जो भेद कथन किया गया था वो तात्पर्य नहीं है, पहले जो कथन किया गया था कर्म कांड को फिर ऊर्जा उपासना के द्वारा निश्चित हुआ, उपासना भाग को ज्ञान के तरह निश्चित होगा, परंतु वेदांत को भाग को खंड करता है अगर आ गया कुछ नहीं था, इसलिए यही पारमार्थिक है, ये हमारी लॉजिक है, ये हमारी लॉजिक है। अद्वैत तो पारमार्थिक है, ये युक्ति के द्वारा भी हम समझ सकते हैं, तो युक्ति क्या है, ये युक्ति देखाएगा। न भेदवादा नाम उत्प्रेक्षा मात्र मूलतम, भेद पर केवल मात्र उत्प्रेक्षा मात्र कल्पना मात्र तो मनोकल्पित है, ऐसा को नहीं कह सकते हैं, क्यों श्रुति मूलक हुआ, वो श्रुति के वेद के आधार पर है, क्योंकि आसन पर ऐसा शंका जब कोई करते हैं तो उसको परिहार करते हैं। कौन ग्रंथ कांड को कह रहा था, जितना शंका हमारे मन में आ सकते हैं सारा शंका को एक एक करके निराकरण के मन में लगे, युक्ति को लोग समझा रहे थे कि सृष्टि होना संभव ही नहीं है, जीवात्मनो पृथक्तव्य जीवात्मनोऽभिव्यक्तं यत् प्रागुत्पत्तेर्प्रकीर्तितम् जीवात्मनोऽभिव्यक्तं यत् प्रागुत्पत्तेर्प्रकीर्तितम् भविष्यद्वृत्या गौणं तं मुख्यत्वं येन युज्यते। अब लोग जानते हैं हम लोग चौल रखे हैं, अब क्या बोलते हैं, हाथ हाथ रखने का बात तो हाथ भविष्य जीवात्मन जीवात्मा और परमात्मा पृथकतम जो अलग भिन्नता जब जिसको प्राप्त उत्पत्ति मतलब सृष्टि बात को आने से पहले कर्मकांड विभाग का है उसने जो श्रुति के द्वारा कथन किया गया है भविष्य प्रवृत्ता आगे जाकर के ये निषेध कर देगी श्रुति, श्रुति स्वयं ही भेद दृष्टि को निषेध कर देगी।
प्रागुत्पत्ते उत्पत्ति करे उत्पत्ति नहीं दो प्रकार करते उत्पत्ति होता है ना प्रातिपद क्या होता है उत्पत्ति उसका षष्ठी तो उसे पहले पंचमी एक वचन है उत्पत्ति से पहले तो देखिए भाष्य में लिखा है उत्पत्ति जब प्रागुत्पत्ति में लिखा है ननु श्रुत्यपि दिवादि परमात्मनो प्रत्यक्तम जब प्रागुत्पत्ति ठीक है ना हमें दौड़ता का रहना प्रागुत्पत्ति जीवात्मनो प्रत्यक्तम जब प्रागुत्पत्ति प्रतिष्ठितम जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों का जो भिन्नता मतलब सृष्टि वाक्य से पहले जो कहा गया है जो कथन किया गया है भविष्य वृत्त आगे जाकर के श्रुति स्वयं आपने आप इसको निषेध कर दी भविष्य वृत्ति को मन में रखते ये गौण है गौण प्रयोग किया गया जैसे भविष्य में चावल का एक अलग आगे प्रयोग कर दिया आगे इसको निषेध करके आगे इसको प्रयोग कर दिया ये गौण है तब मुख्य भेद की उग्रता होना जो कि संगत नहीं है क्योंकि श्रुति के द्वारा उसको निषेध किया गया है निंदा की गई है इसलिए उसकी मुख्यता भेद की है भविष्य वृत्ति से गौण है तो भेद की मुख्य होना मानना उचित नहीं है अब जो है यहाँ पे टीकाकार इसका अर्थ करना पड़ेगा उत्पत्ति मतलब व्युत्पत्ति संबंध ज्ञान यदि उत्पत्ति शब्द ज्ञान का अर्थ मैंने क्या कर दिया आपको उपनिषद भाग में आकर के जो उत्पत्ति प्रकरण आया हुआ है वहाँ के एक ही कारण से सभी कार्यात्मक जगत को दिखाई पड़ते सभी कारण कार्य कभी भी कारण को छोड़ करके नहीं रह सकते इसलिए शब्द एक ही रूप है ऐसा हमने कहा और यहाँ पे टीका कार्य उत्पत्ति शब्द का अर्थ कर दिया व्युत्पत्ति मतलब बोध व्युत्पत्ति मतलब बोध इसी वजह संबंध ज्ञानम उससे पहले जो कर्म कांड उपासना कांड आया हुआ है जब पर अपरयोर नानत्व मुक्तं जब जीवात्मा परमात्मा ने नानत्व को कथन कह गया तब कोलनम पचति इति भविष्यत वृत्ता है ना ये भात पकाया जा रहा है भविष्य में भात होगा है ना इस दृष्टिकोण भविष्य वृत्ता तंडुलेषु कोलनत्व इस प्रकार चावल में भात शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है उसी प्रकार आगे जाकर के एकत्र तो समझ में आ जाएगा परंतु जो अंतकरण शुद्ध होने पर इसलिए तो हमारी कई मान्यता है कि अलग अलग भिन्नता की भिन्नता मान्यता देने पर ही भिन्नता की मान्यता होने पर ही आपकी वर्ण व आश्रम वेद कर्म को निष्काम भाव से करेगा तब जाकर के अंतकरण शुद्ध भी एकत्र हो लो इसको मन में रखते हुए स्थिति में वहाँ पर भेद करना है हर व्यक्ति को अभी भेद नहीं है इसलिए बोलते हैं कि उत्पत्ति मतलब व्युत्पत्ति मतलब संभव ज्ञान तद अर्थ उपनिषद प्रवृत्ति संभव ज्ञान के लिए कौन सा भाग है वेद में उपनिषद उसकी अपेक्षा से प्राप्त प्रवृत्त कर्म कांड के उपनिषद भाग से अपेक्षा से उसका पहले प्रवृत्त वाले कर्म कांड उस कर्म कांड के द्वारा जब पर अपरयोर नानत्व मुक्तम जब जीवात्मा परमात्मा के भेद को कथन किया गया है तब वो ओदन पचति यदि भविष्य वेदता है ना चावल भात को पकाया जा रहा है इस भविष्य दृष्टि से मन में रखे तंडुवेश ओदनत्व पर जिस प्रकार चावल में भात शब्द प्रयोग कर दिया जाता है बस गौण में वो होते हैं वो गौण प्रयोग है न मुख्य भेदात्मक सुधीर श्रुति मुख्य रूप से भेद के प्रतिपालन करे ये कहना मुख्य शब्द नहीं हो सकता इसके ऊपर तीन टिप्पणियां दिखाई पड़ रही है दस ग्यारह बारह है ना है दस नंबर टिप्पणी क्या बोल रहे हैं तंडुलेषु तंडुलेषु ओदनत्व ओदन ओदनेषु तंडुलेषु तथा ओदन व्यवहार गौण है ना इस प्रकार भात और चावल दोनों में एक दूसरे के शब्द प्रयोग कर देते हैं तो गौण प्रयोग होता है चावल को जब भात बोलते हैं अगर भात को जब चावल बोल देते हैं अरे आज तो वो चावल ही रह गया भात है पर थोड़ा कर रहे हैं चावल नहीं ऐसा बोल देते इसलिए होता है ओदन ओ अनोदनेशु अनओदनेशु तंडुलेशु ठीक है ना अनोदन मतलब है अभी भात नहीं बना तो जो चावल में तथा ओदन व्यवहार इस प्रकार आप वहाँ पर भात शब्द का प्रयोग करते हैं वो गौण प्रयोग होता है ठीक है अनओदनेशु तंडुलेशु तथा ओदन व्यवहार गौण मतलब चावल भात नहीं है इस प्रकार की
स्थिति में भी जब हम भात शब्द चावल में जब भात शब्द प्रयोग कर चावल में जब भात शब्द प्रयोग कर देते हैं तथा द्वितीय द्वैत व्यवहार गौण इस प्रकार से है कि जो भेद जहाँ पे प्रतिपादन किया वहाँ पे भी जो है द्वैत व्यवहार गौण प्रयोग हुआ है क्योंकि एकत्र तो पारमार्थिक है अब सूर्य अपने आप भेद गौणम एवं गौण मतलब आरोपितम भेद को आरोपित करके साथ ही भगवान वाचका को ब्रह्मसूत्र लिखने से पहले एक अभ्यास भाष्य लिखना अध्यास भाष्य से अपने आप शुद्ध कर दिया सारा व्यवहार ये अध्यासिक है ये प्रमाता प्रमाणित करने वाली व्यवहार ये अध्यास करके होना संभव है तो मैं प्रमाता हूँ मैं करता हूँ मैं भोग कर सब जो है अध्यासिक व्यवहार है ना बंधु पूर्णता में ये व्यवहार नहीं उसको बोलते हैं गौण मतलब आरोपित में आरोप करके अध्यास करके व्यवहार होता है न मुख्य भेद अत्यंतम वो मुख्य भेद उसमें नहीं है मुख्य भेद अत्यंतम अनारोपित भेद प्रतिपादन अनारोपित नहीं है आरोपित भेद है अनारोपित भेद प्रतिपादन नहीं है वो आरोपित भेद है ये प्रतिपादन करता है मुख्य भेद अत्यंत अनारोपित भेद नहीं है आरोपित भेद है वो अनारोपित भेद ये कहना युक्ति संगत नहीं होता सूर्य न भेदस्य अपूर्वत्व पुरुषार्थम तयोः अभावाद्विद्यार्थ अन्य के लिए शब्द अपनी तरह सुंदर जो किया अपूर्व मतलब यूनिकनेस मतलब जो आप कहीं जगह पे अपने पहले देश न पूर्व अपूर्व अरे भेद भेद कोई अपूर्व अवस्थित थोड़ी है भेद तो सभी व्यक्ति जानते हैं ये कोई अपूर्व किसने बोलता है भेदस्य अपूर्वत्व पुरुषार्थ और अभावार्थ भेद में अपूर्वत्व भी नहीं है और भेद से कोई पुरुषार्थ सिद्धि भी नहीं है और पुरुषार्थ सिद्धि भी नहीं है इसलिए होता है भेदस्य अपूर्वत्व पुरुषार्थ इन दोनों का अभावार्थ इसलिए जो भेद आपका प्रमुख प्रतिमात्र विषय नहीं हो सकता भेद में ना पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए ना भेद में तो अपूर्व होता है क्योंकि अनधिगत अबाधिक ज्ञान विषयत्म प्रमाप्तम जो दूसरे किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता और जो बाधित नहीं होता वो ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा जाता है अनधिगत अबाधित ज्ञान विषयत्म प्रमाणतम जो दूसरे किसी प्रमाण भेद दूसरे प्रमाण किसी प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद देखा जाता है और अबाधित विषय का भेद शास्त्र में द्वारा बाधित भी हो जाता है इसलिए ये कोई प्रमाण ज्ञान नहीं है ये प्रमाण ज्ञान नहीं मान सकता भेद अपूर्वत्व पुरुषार्थ अभावादित अर्थ ये हो गया मुख्य रूप से श्लोक का आनंद विधि के ऊपर से अर्थ कर दिया अब जो है भगवान भाष्य का क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर के बोलते हैं श्लोक व्यावर्ताम आशंकाम अह इस श्लोक के द्वारा जिस शंका को निराकरण करना चाहते हैं कौन मानव कार्य का उस शंका को भगवान भाष्य का दिखाते हैं श्लोक व्यावर्ताम आशंका श्लोक के द्वारा व्यवर्तित करना निराकरण करने की जो शंका है उसको कहना चाहते हैं भगवान भाष्य क्या बोलते हैं अब भाष्य ननु श्रुत्या अपि जीव परमात्मनो कृतकम् जत प्राप्त उत्पत्ति उत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्य पूर्व प्रकृतितम कर्म कांडे ठीक है ननु शंका करने वाले बोलते हैं मतलब जिस शंका को निराकरण करने के लिए ये श्लोक आया है उस शंका को उठा रहे बोला था श्रुत्या अपि श्रुति के द्वारा भी आप श्रुति के बाहर गम नहीं है जीव परमात्मा हो जीवात्मा और परमात्मा दोनों का पृथकता भिन्नता जब जिसको प्राग उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति से पहले तक उसका अर्थ करते हैं उत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्य के पूर्व सृष्टि वाक्य से पहले मतलब उपनिषद में जो सृष्टि कर उससे पहले जो कर्मकांड वाक्य है उत्पत्ति वाक्य के पूर्व प्रकृतितम कर्मकांड प्रविष्ट रूप से कथन किया गया भेद का कर्मकांड में कर्मकांड यहाँ पे देखिए चार नंबर की टिप्पणी दिखाई दे रहे कहाँ पे हाँ जब प्राग उत्पत्ति उत्पत्ति अर्थो उपनिषद वाक्य उपनिषद अर्थ उपनिषद उत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्य कौन सा विभक्ति वचन ठीक
बिल्कुल पंचमी भाव में क्योंकि प्राग उत्पत्ति पंचमी में करते हैं ना, जो उत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्य थे उत्पत्ति के लिए जो उपनिषद वाक्य को कहा गया उससे पहले उससे चार नंबर के पढ़ लेते उत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्य के पूर्व तथा च उत्पत्ति अर्थ को उपनिषद वाक्य ही केवल न भेद प्रक्रिया से किंतु ही तत्व प्राप्त कृत्य कर्म कर्म वाक्य अति स्पष्ट उत्तम इति न स हता काश आदि दृष्टान्ते अन्यथा नेतुं शक्य इति भावः। पूर्ववादी संदर्भ पूरा उठा दिया आपने उत्पत्ति के बाद। देखिए उत्पत्ति श्रुति का हमारे लिए क्या अर्थ है, उत्पत्ति श्रुति का हमारा तात्पर्य इसमें है कि उपादान कारण एक है इसे सब एक तंत्र उनके लिए उत्पत्ति तो अलग अलग थे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंचे तन्मात्र पंचे वो सब अलग अलग थे। इससे पहले मतलब इस बात को कहने से पहले जो कवर्तन का बात आया हुआ है पूर्व तथा च उत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्य देव न भेद प्रतीत उत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्य से केवल न तो भेद प्रतीति नहीं होता कर्मकांड मतलब क्या है उपनिषद वाक्य भी भेद प्रतिपादन करने वाला ही होती सिद्ध मीमांसा दर्शन में जो पहले आपने दिखाया कि पुरुष अलग अलग है तो उपनिषद वाक्य ही सिद्ध करता है अपनी शब्द दिया हुआ है जब तथा च उत्पत्ति अर्थ को उपनिषद वाक्य ही न भेद प्रतीयते उत्पत्ति के निमित्त जो उपनिषद वाक्य है केवल उसके द्वारा ही भेद की प्रतीति होते ये बात नहीं है कि उत्तर ही है ना। आपने हमने जिस उपनिषद वाक्य से एकत्र प्रतिपादन करते हैं उनको वहाँ पर भेद दिखाई पड़ता है इसलिए अलग अलग उत्पत्ति दिखाए भेद किमतर ही तब क्या तथा प्राग उस मतलब उपनिषद वाक्य से पहले सृष्टि से पहले भी प्रवृत्ति ही कर्मकांड वाक्य ही रखी प्रवृत्ति तुम्हारे जो कर्मकांड वाक्य उस कर्मकांड वाक्य में भी स्पष्ट उक्तम वहाँ पर तो बिल्कुल अलग अलग करके भी कहीं ब्राह्मण है पुरुष है ये स्त्री है इसके लिए कर्म उसके लिए कर्म अलग अलग कमना अलग अलग कर्म अलग अलग व्यक्ति स्पष्ट कर कौन से काम किया और इसी को स्पष्ट और इसी को पुष्ट करने के लिए उपनिषद में उत्पत्ति के प्रकरण आया हुआ हम कहाँ व्यक्ति सही बोल रहे जीव परमात्मा न विकार नहीं कर सकते हैं न स घटाकाश आदि दृष्टांत घटाकाश के दृष्टांत के द्वारा घटाकाश जैसे महाकाश का अवयव मतलब विकार नहीं होता इसी प्रकार जीव भी परमात्मा का अवयव विकार नहीं ये जो आपने कहा इस प्रकार दृष्टांत के द्वारा इसको प्रतिपादन नहीं कर सकते क्योंकि उपनिषद भाग कर्मकांड में जिस भेद भाग को दिखाया भेद को दिखाया गया है उपनिषद उत्पत्ति के प्रकरण में उस भेद उत्पत्ति को ही दिखाएगा पुष्ट किया गया है इसीलिए आप इसको अन्यथा का अर्थ नहीं कर सकते ऐसा पूर्व मीमांसा दर्शन पूर्व पक्ष द्वारा टकराया यहाँ मजबूती के साथ पूर्व पक्ष सामने आ रहे हैं उत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्य पूर्व उत्पत्ति उससे पहले कहा प्रतिम कर्म कांड में उसने स्पष्ट करके कहा गया देखो कर्म कांड में कैसा था एक नंबर के ऊपर पेज 448 चित्रया जजेत पशु कामः पशु कामना करने वाले व्यक्ति चित्र जा करे चित्रया जजेत पशु कामः ठीक है तो क्या हो गया पशु कामना करने वाला एक व्यक्ति कार्यया जजेत वृष्टि कामः जजेत वृष्टि कामः बारिश जाने वाला व्यक्ति कार्य ही जा करे है ना पुत्र काम पुत्र यजेत पुत्र काम व्यक्ति पुत्र रखना करे इत्यादि वाक्य विधिबद्ध इस प्रकार वाक्य के द्वारा अलग अलग कामना वाले व्यक्ति का अलग अलग प्रकार की कर्म विधान किया गया इसलिए आत्मा भिन्न भिन्न है आत्मा अनेक है ऐसा मानना चाहिए आपको जी को बोलते हैं देखो अनेक काम भेदत इदम काम अदो काम इति इस प्रकार से अनेक प्रकार की कामनाओं की भिन्नता के कारण व्यक्ति में भिन्नता आत्मा में भिन्नता ये मानना पड़ेगा ठीक है आत्मा में भिन्नता को स्थापित करोगे तो जीवात्मा परमात्मा की भिन्नता क्या करोगे वहाँ भी अलग करके दिखाया गया है कि परमात्मा के अपरा पूरा सृष्टि को धारण करके रखा जीव ऐसे नहीं कर सकता इसीलिए वो भिन्न है परस्य सदाधार पृथ्वी द्याम पृथ्वी द्याम इत्यादि मंत्र वर्णे ऋग छंद मंत्र
ऋग्वेद 10:21 एक सदाधार प्रतिबिंबानि मंत्र वर्णे इस प्रकार मंत्र हिरण्यगर्भ समवर्तता हिरण्यगर्भ उत्पत्ति का सृष्टि का पहला जीव है वो, तो इस प्रकार से ईश्वर को भी जीव से अलग कर देते हैं और जीव को भी भिन्नता दिखाया गया। आप कैसे एकत्र सिद्ध कर सकते हो ऐसा करके पूर्ववादी देते हैं वेदनामान्तरस्थम् भूतहेतोः